Hey everyone, welcome back to the channel guys. I hope you're doing absolutely fine and well. You are live. हमारे साथ को नहीं देखो आज. ए इधर देख. हाय बोल. हाय हाय दोस्तों. बोल लाइक सब्सक्राइब करो. बोल जितना बोल. हम शिकला भी दी खेमड़े है. शिकला बोल. दादा शिकला तो शिकी. बाय द वे मामा का लड़का है हमारा छोटे, इसका नाम अनिरुद्ध है. एंड राइट नाउ वी आर लिविंग. आज ही निकलने वाले कॉज सम अर्जेंट वर्क है तो आई डोंट थिंक सो आज मेरी छुट्टी. और बाहर का मौसम तो देखो एक बार. मौसम बारिश हो रही है. वेट आई विल शो यू समथिंग. इज रिजनिंग आउटसाइड लिटिल बिट. ए इसका चालू हो गया कार्यक्रम. आज शुरू समथिंग. मामा ने घर थोड़ा रिनोवेट किया है, थोड़ा बहुत इसका कर. हाँ तो पहले इधर गणपति बिठाया करते, अभी इधर बिठाएंगे. इधर क्या मतलब इधर बिठाएंगे. एंड इधर का भी दिखा देता हूँ. लाइट थोड़ी लाइट लगा हुआ है जी. हाँ मिड हो इधर से जगह पे. एंड दिस इज रसोई घर एग्जैक्ट. महाराष्ट्र में ना विलेज टाइप में, गाँव टाइप में घर ऐसे ही रहते हैं. सातारा सांगली मोस्टली. ये थोड़ा न्यू जनरेशन है हल्का सा. उससे ओल्ड वाले तो पूरा गोबर वोबर के नीचे रहते हैं. तो बस वो रस्से मिट लगा है, समझ रहे हो. अब बारिश जोर से गिरने लगेगा और आज ही निकलना है हम लोगों को. यार क्या ही करे. लुक आज चालले आज संध्याकाळी माहित नाही, बुकिंग नाही केली अजून. विजिट व्हेन यू विजिट विलेज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम तो सारे लोग आपको पूछते कहाँ से कब मतलब कभी आया एक्सेट्रा. बराबर क्या. हाँ शेमडे पोर. तुम गाइस बाज बड़ा इन्होंने गाला वाले गाँव वाले ताना मारे यार. मुंबई में गए हरकत वाला मर गएगा. भाई ये तो चाहिए इसका. वैसे भी तो टीवी यूज कर. अपने इधर के बच्चे तो मोबाइल ही देखते हैं यार. खा खा ए खा देखा. इट्स हेवीली रेनिंग राइट नाउ. बारिश बहुत तगड़ी गिर रही है. आई इवन डोंट थिंक सो दैट अचानक बढ़ गई. सुबह का मौसम देखा था गाड़ी से हुआ. अभी विदिन 6 and 5 आवर में जस्ट पूरा लेक्सी चेंज हो गया. आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं. क्या रे पूरा. अभी बेटे इसके साथ छोटू दादा रिएक्ट ही नहीं कर रहा. छोड़ो जो अंशु था ना वो रिएक्ट कर रहा था. एनीवेज अभी निकलेंगे 4 घंटे में. कोई मैं 3 घंटे में निकलेंगे. मुंबई का सफर आई नो इज टू हार्ड टू डू दिस एरिया. अच्छा नहीं पाएंगे. जाने की जर्नी में क्या ही निकल से आने की जर्नी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या दिखा रहा. जाने की टिकट सुन लिया. पूरी तरह से बारिश रुक चुकी है. अभी लिटिल बिट गिर रही है, लिटिल बिट. और ये क्या कर रहे हैं. पड़ता है बॉस. लाइट आ गई गई फिर से. चलो आप जरा बाहर घूम के आते. फाइनली बाहर घूमना हो गया अपना. बारिश चली गई. अभी पूरे निकलने वाले जो टिकट बुकिंग करने का जरा चेक करने को आया था इधर. तो अभी इधर से निकलेंगे अभी 10 या 20 मिनट में. अचानक भाई ना पूरी बारिश. आज ही पहली बारिश है गाँव में, मेरे को पता चला. मैं बारिश लेके आया. गाइस क्या ही दिख रहा है बारिश में. पूरी तरह से लकबत हो गया वाला गाँव की सुहादियों में. क्या ही बोल रहा जान भाई. कड़क दिख रहा है एकदम. लेकिन ये बारिश आज ही स्टार्ट हो चुकी है. तो व्यू तो देख सकते हो भाई. और मंदिर नई देवी का वो वाला बहुत बार कवर किया है. ओल्ड वाली ब्लॉग जाके जरूर देख लेना. इस टाइम तो लिव दिस विलेज प्लेस वन डे विजिट था. अभी इसको लेकर निकलते हैं. गाड़ी आ गई अपनी. ट्रेवल्स बुकिंग हो चुकी. कल निकलने वाले लेकिन आज निकलते हैं. अर्जेंट ओवर के रुक के भी कुछ मतलब नहीं, फ़ायदा भी नहीं. बारिश भी गिर के समझ जाओ तो निकलता है. सुन नेक्स्ट टाइम तो देखेंगे. मेन सुन इस टाइम तो लियो या बाय बाय. सुन कोकरूड जल्दी आएंगे इधर. फिर से बाल बढ़ा के नहीं आऊँगा भाई. गाली दे रहे बहुत. पैसा नहीं एक एक्सेट एक्शन बहुत सारी चीज़ें. तो गाइस थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो नैना देवी के मंदिर के कोकरुड के। अच्छे लगते रहेंगे देवी जी के, नई देवी की बहुत जागृत देवस्थान है। तो अब इधर से बस पकड़ते थे। चलो फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हम लोग। हाँ एंड सो वी आर राइट नाउ वी आर सिटिंग इन बालू मामा। कुछ नहीं भीगे हुए रास्ते दिख के जा रहे हैं अभी थोड़ा सा। फेमस स्टॉप इधर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई, बहुत सारे इधर एकदम मेन स्पॉट है। इधर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, मेरे पीछे देख सकते हो। थर्टी वन और अभी बारिश हो रही एकदम रिजलिंग थोड़ी थोड़ी और बारिश स्टार्ट हो गई है। मानसून महाराष्ट्र में आ चुका है फाइनली और हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं। गाड़ी जस्ट 10 मिनट होल्ड है, उसके बाद होटल पे रुकेंगे। पेट्रोल भरने रुका है फिलहाल लीटर का, ये देख सकते हैं। वॉशरूम करने के बाद अभी गाँव में बैठते हैं और होटल में सीधा उतरते हैं। भूख बहुत लगी है कुछ तो खाते हुए। राइट नाउ गाइस वी आर इन होटल, ये खाना खाते हैं कुछ तो भूख लगी है बहुत। एंड इधर से निकलेंगे विद इन हाफ एंड हाफ में। पीछे गाड़ी देख सकते हो गाइस। लिटरली ना इतनी तगड़ी ओवर प्राइजिंग इन होटल में, ओवर प्राइजिंग बहुत तगड़ी वाली। मतलब रोटी कितनी की मतलब 25 रुपीज़ पे 2 रोटी की ही 50 रुपये होती है। तभी क्या कह रही भूख लगे खाते कुछ तो। गाइस खाना जो अभी खाते हैं आका मसूर एंड रोटी, इसको तोड़ते हैं। हो गया सोप चबा रहा हूँ, खाना तो सही था। चलो अभी बस पर निकलते हो, घर क्यों निकलते चलो। फिलहाल तो खाना खाने के बाद स्प्राइट के मज़े लेते लेते जा रहे हैं घर की और अभी उतरने के बाद ब्लॉग एंड करने को नहीं मिलेगा। एंड हाँ इफ़ यू लाइक इट टूडेज ब्लॉग और फिर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अभी घर पर जाएंगे और कल संडे है ना, क्या मालूम क्या करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।